This video is presented by me. My name is Sabil Ahmed. PowerPoint से वीडियो कैसे बनाते हैं, उसमें बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक और वीडियो कैसे लगाते हैं, यदि आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फ्रेंड। एक सिंपल प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। आप कोई प्रोजेक्ट या रिपोर्ट बना रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसे ऑफिस में इसे PPT भी कहा जाता है। तो चलिए मैं इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, ये हमारे पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक सॉफ्टवेयर है जो MS ऑफिस के अंतर्गत आता है। देखो, सिंपल बनाने के लिए प्रेजेंटेशन क्या करेंगे, इसे हम कहते हैं स्लाइड। इसका पेज जो होता है, पेज को हम लोग बोलते हैं स्लाइड। आप Ctrl+M प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको स्लाइड मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3-4 स्लाइड लेंगे। देखो, पहला स्लाइड है जो कहता है कि टाइटल बनाने के लिए, मान लो मुझे एक छोटा सा सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाना है कंप्यूटर प्रोजेक्ट का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंप्यूटर, हमने लिख दिया प्रोजेक्ट। इसके बाद जिसको आप सबमिट कर रहे हो तो, या इसका सब टाइटल देना चाहते हो वो आप दे सकते हो, या अगर किसी को सबमिट करना है, ठीक है, तो हमने लिख दिया। अब किसके द्वारा बनाया गया है उसका नाम पहले लिखोगे आप, बाई, अपने नाम लिख दिया फ्रैंक, किसी का नाम। इसके बाद देखो, ये जो सिंपल प्रोजेक्ट है ना, आप चले जाओ यहाँ पर डिज़ाइन दिखा है, डिज़ाइन चले जाना। डिज़ाइन पे हम पेज का जो थीम होता है ना वो एक्टिवेट करेंगे। कोई एक सिंपल सा ले लेते हैं, जैसे हम थीम को अप्लाई करेंगे ये सब पेज पे अप्लाई हो जाएगा। देखो, इसका लुक चेंज हो जाता है यहाँ पर। अगर यहाँ से आप इसका कलर देना चाहते हो तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है कलर, देखो यहाँ पर आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हो। इसके बाद इस मैटर को जो ये अब दिख रहा है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है फॉर्मेट, फॉर्मेट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेंगे टेक्स्ट के कलर। देखो, टेक्स्ट का जो स्टाइल होता है इनको हम ऐड कर लेंगे। यहाँ से हम होम पे वापस जाते हैं, यहाँ इसका फॉन्ट साइज हम बड़ा कर लेंगे। इसके बाद हम Ctrl+U प्रेस करके अंडरलाइन देंगे और फिर यहाँ पर एक नीचे जो लिखा हुआ है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसका फॉन्ट साइज बड़ा करेंगे और इसको हम रख लेते हैं राइट साइड में और इसको हम करते हैं Ctrl+I, इसे होता है इटैलिक। इसके बाद देखिए, प्रोजेक्ट का नाम हमारा रेडी हो गया। अब हम आते हैं नीचे। देखो, ये जो होता है सेकेंड नंबर, तो हमें लिखना है पहले कंप्यूटर का डिफिनेशन, बहुत ही आसान है, लिख लेते हैं यहाँ पर कंप्यूटर डेफिनेशन और यहाँ पे हम डेफिनेशन लिखते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन हु एक्सेप्ट डेटा प्रोसेस डेटा convert it into useful information। इसको लॉक कर दिया हमने। अब देखो, ये हमारे पास जो हेडिंग है इसको हमने सेलेक्ट किया, Ctrl+D कर दो और U कर दो, ये हमारे पास हेडिंग रेडी हो गया। इसके बाद यहाँ पर चले आओ, हमने एंटर प्रेस किया, एक लगा देंगे हम इंसर्ट पे जाकर के इमेज, तो हमें एक इमेज लगाना है कंप्यूटर का, तो हम पिक्चर ले सकते हैं। यहाँ पर पिक्चर पे क्लिक किया और हमें कंप्यूटर का आइकन चाहिए, तो हम कंप्यूटर का आइकन अपने कंप्यूटर से इंसर्ट कर लेंगे। हमने क्लिक किया यहाँ पर, देखो ये आइकन हमारे पास, हमने क्लिक किया और उसको इंसर्ट कर लिया। हालांकि हमारे पास कंप्यूटर बड़ा सेट होना चाहिए, ठीक है, तो हम फिलहाल अब इसको मॉनिटर पर रख सकते हैं। यहाँ पे हम CPU रख देंगे, अगर CPU बनाना है तो बहुत ही आसान है। हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे और एक सेव हम बना लेते हैं। इसे हमने ड्रॉ कर लिया, ये CPU हो गया। और एक हम बना सकते हैं कीबोर्ड। देखो, कीबोर्ड बनाने का भी असंभव तरीका है। इंसर्ट पे आप गए और यहाँ पर आपने कीबोर्ड यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, या आप कीबोर्ड मंगा लीजिएगा वहाँ से, ठीक है। और माउस बनाने की बात है तो आप इंसर्ट पे गए
आपने क्लिक किया, ये अब माउस है, ऐसे आपने यूज़ किया, ये रेडी। देखो इसको ऐसे रोटेट कर दो, रोटेट हो गया, ये माउस बन गया। और यहाँ पर आप ये यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर नई फिगर ड्रा कर लिया। आपके पास इमेज होगा, आप इमेज लगा लीजिएगा, आप कलर कर दो यहाँ से। इसके बाद सबका कनेक्शन आप कर देना अच्छे से, ये हमारे पास कंप्यूटर रेडी हो गया। अब हम आएंगे थर्ड पेज पे, हम बात करते हैं कंप्यूटर के फीचर्स की। यहाँ लिख देना हमने हेडिंग, लिखेंगे हम कंप्यूटर, यहाँ लिखना है फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। यहाँ हमारे पास फीचर है, हमने ये लिख दिया। इसके बाद स्पीड होता है अच्छा खासा, और दूसरा होता है डिलीजेंस होता है, और वर्सेटिलिटी। देखो वर्सेटिलिटी का अर्थ होता है सर्वभौमिकता, मतलब कॉम्प्लेक्स वर्क कोई भी हो, कठिन से कठिन वर्क उसको वह ईजिली कर लेता है कंप्यूटर। इसके फीचर में इसको हमने ऐड किया, स्पीड हो गया। और एक्यूरेसी की बात करें हम तो एक्यूरेसी हमने दे दिया। और इसके बाद कुछ और भी हम दे सकते हैं, मेमोरी स्टोरेज पावर भी इसके पास है, दिए मेमोरी। देखो ये बन गया हमारे पास फीचर्स। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, एक और पेज बना लेते हैं। देखो ये रेडी हो जाएगा अभी जस्ट में, तो एक और पेज हम ऐड करते हैं। लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, इसको हमें करना है सेलेक्ट करना है कंट्रोल यू कंट्रोल बी, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा कंप्यूटर में प्रॉब्लम क्या होता है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग कमी है। ठीक है, लिख सकते हो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग वैल्यू कीमत ज़्यादा इसका होता है। और इसमें जो 48 डिग्री टेम्परेचर होता है वो इतना ही यूज़ कर सकता है ये, तो इसको सेलेक्ट करो, इसको 48 डिग्री लिख देते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये इतना डिग्री को सहन कर पाता है। ठीक है, और वायरस अटैक भी होता है इसमें, अटैक और भी होते हैं, ATC कर लो यहाँ पर ATC। इसके बाद देखो यहाँ पे हमें एक और स्लेट चाहिए, स्लेट हमने क्लिक किया, ये हमारा एंडिंग रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो टीम मेंबर लोग काम करते हैं, अब यहाँ लिख दो टीम मेंबर, सेलेक्ट किया इसको, यू कर लिया और कंट्रोल बी। इसके साथ जितने लोग काम करते हैं हम उनका नाम लेते हैं, पहले होगा फ्रैंक का नाम जो प्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारे हो गए टीम लीडर, टीम लीडर। इसके बाद हमने दे दिया टीम लीडर, के बाद यहाँ हमें देना है इमरान, इन्हें हमने कर दिया सहायक को लीडर, एंटर किया, हमने लिखा फैज भाई, और इनको हमने कर दिया टीम हो गए और को लीडर हो गया, और फैज भाई को हमने ऐड कर लिया राइटर। और एक और हम ऐड कर लेते हैं, ये है वीडियोग्राफर, ठीक है, अब तो इनको हमने ऐड कर लिया। इसको हमने सेलेक्ट किया और कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो मिडल में आ जाएगा, इसमें जो दिख रहा होगा बुलेट नंबर हटा देंगे हम। इसके बाद देखिए ये हमारे पास पूरा प्रेजेंटेशन रेडी हो गया।
अब हमें करना क्या है, यहाँ पर ऑप्शन लिखा है ट्रांजिशन, ट्रांजिशन में हम क्लिक करेंगे। एक और चीज़ ख्याल रखना, ये 2016 में बता रहा हूँ, ऑफिस 2016 वर्जन। जब आप काम करोगे ना 2007 में, तो आपको ये ऑप्शन आपको एनिमेशन मिलेगा, लेकिन जब 2016 में काम करोगे आप, तो ये ट्रांजिशन का अलग से मेनू मिलेगा। ट्रांजिशन मेनू पे आप क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन, यहाँ पे आप क्लिक करना। ये देखो, ये पूरा पेज का मूवमेंट होता है, तो पेज का मूवमेंट आप कैसे दिखाना चाहते हो वो आप पर डिपेंड करता है। आपने लिखा, पहले लगा दिया कॉम, और यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आप कितना टाइम चाहते हो, इसको स्लो, थोड़ा स्लो करना चाहो, आराम से थोड़ा प्रेजेंट हो, तो आप उसका टाइम दे सकते हो 10 सेकेंड, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 10 टाइम दे दो। और इसके बाद यहाँ पे देखो लिखा है ऑन क्लिक, तो हमें जब प्रेजेंटेशन देना होता है तो हम रखते हैं ऑन क्लिक, अगर जब हम वीडियो बनाते हैं तो हम यहाँ पर आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं। चलो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे, और यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हम पीक ऑफ यूज़ कर लेते हैं, और इसका हम टाइम सब में देते हैं 10, ये थोड़ा आराम आराम से चले, ताकि हमें इसका व्यू भी समझ में आए। क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज पर, और हमने ये यूज़ किया था, तो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं कुछ और, पेज कर्व। तो पेज कर्व का भी टाइमिंग दे दीजिए यहाँ पे 10। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे गए, 4 नंबर पेज पे, और यहाँ पर हम कुछ और यूज़ कर लेते हैं, गैलरी, इसका भी टाइम दे दें। देखो यहाँ पे हमें टाइम देना, ये वाला ड्यूरेशन जो दिख रहा है यहाँ पे टाइम देना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, आखिरी पेज पर, यहाँ पर इसको ना थोड़ा डिफरेंट दे सकते हो, फ्लिप है फ्लिप आप दे दो, या रिपल है रिपल दे सकते हो, या इसमें आप ओरिगैमी भी दे सकते हो, या एरोप्लेन भी दे सकते हो, तो अगर चाहो तो ये क्रश भी दे सकते हो। ये देखो, इसका टाइमिंग दे दो, आराम से चलेगा। इसके बाद ये देखो यहाँ लिखा है एनिमेशन, एनिमेशन पे आप जा करके क्या करना, पहले पेज पे चले जाओ, इस पर क्लिक किया, देखो ये लिखा है ऐड एनिमेशन, और ऐड एनिमेशन पे आप जाएंगे तो यहाँ पे सब ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ क्लिक करेंगे मोर एंट्रेंस इफेक्ट, सो इसको इसमें हम चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन से काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। यहाँ देखो एक ऑप्शन होता है ड्रॉप, ड्रॉप से आप दिखाना चाहते हो फर्स्ट पेज। देखो फर्स्ट पेज में हम क्यों ऐसा यूज़ करते हैं, फर्स्ट पेज में हम ज़्यादा एडिटिंग कर सकते हैं, एक अच्छा प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, इसको खूब एडिटिंग करेंगे जितना मन करे कर लो, क्योंकि जब हम इसको प्रोजेक्टर पे जब ऐड करते हैं ना, दिखाते हैं, उस टाइम हम प्रोजेक्ट लगा देते हैं और पेज को रन करा देते हैं, और अपना थोड़ा सा हम अच्छे से मैनेज करके खड़े हो जाते हैं, उसके बाद हम अपना काम ही करते हैं। तो हमने इसको ड्रॉप को इस्तेमाल कर लिया, ओके करेंगे, और इस पर आप क्लिक करो, यहाँ पर काम करना, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा हमें, देखो यहाँ पर हम साइड जाएंगे, इसको हमने ड्रॉप यूज़ किया, इसको कर्व अप कर सकते हो या फ्लिप कर सकते हो, ये फ्लिप टाइप से आएगा, ठीक है, या इसको आप वाइप दिखाना चाहते हो तो वाइप की तरह से आएगा ये, ठीक है, ओके कर दो। देखो ये सब जितने भी ऑप्शन है ना, ऑन क्लिक है, ठीक है, तो ऑन क्लिक फिलहाल रखना हमें, पूरा क्लिक बेस होगा, या आप कर सकते हो पहले वाले को, देखो यहाँ पे ऑप्शन है एनिमेशन पैन, क्लिक करिएगा, यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है, यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको विथ प्रीवियस, और दूसरा वाला जो ऑप्शन होगा इस पर क्लिक करना, ये आएगा आफ्टर प्रीवियस, मतलब ये चलने के बाद ये चले, ठीक है, यानी ये वाला चलेगा फिर ये चलेगा। इसके बाद हम आखिरी वाले पेज में जाएंगे, और इस पर हम क्लिक करके इन दोनों को हम क्लिक करेंगे बारी बारी दोनों को, ऐसे काम करते हैं, इसको हटा करके कंट्रोल एक्स किया मैंने, इस बॉक्स को हटा देते हैं, और हम इसी में लिख देते हैं गिरा। अब देखो ध्यान से, इस पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर ऐड एनिमेशन है, और मोर इंट्रेंस पे जाएंगे, यहाँ एक ऑप्शन लिखा हुआ क्रेडिट, तो आप क्रेडिट पे जब क्लिक करिएगा तो ये क्या होगा, वीडियो का एंड, ओके कर दो। इसके बाद देखो ये सब चीज़ें हमारे पास, इसको रख सकते हो विथ प्रीवियस। अब देखो ये स्लाइड शो है, स्लाइड शो पे आप क्लिक करो, यहाँ लिखा है फ्रॉम बिगिनिंग, तो F5 प्रेस करोगे और इसका व्यू देख लो कैसे प्रेजेंट हो रहा है, ये आराम से चलेगा। देखो हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज आएगा, ठीक है, हम जितनी बार क्लिक करेंगे ना तो पेज नेक्स्ट होकर आएगा बारी बारी। और अब हम बता सकते हैं, अब हम प्रोजेक्टर के पास खड़े हुए,
और हम बोल सकते हैं कि ये क्या होता है, कंप्यूटर डेफिनेशन के बारे में पूरा पूरा डिस्कस कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, देखो ये नेक्स्ट पेज आ गया। क्लिक किया नेक्स्ट पेज, क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज, क्लिक किया और ये नेक्स्ट हम जिसे करेंगे एंड हो जाएगा। ठीक है, ये भी चल के दिखेगा यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ करेंट करके, ये एंड भी होगा यहाँ पर। क्योंकि हमने इसको विथ प्रीवियस रखा है तो ये इस मूवमेंट को चलना चाहिए यहाँ पर। ये देखो, ये रहा वीडियो का एंड, इस तरह से बनेगा।